स्टूडेंट्स, सो टुडे वी गोना स्टार्ट विद अ चैप्टर दैट इज कॉल्ड मनी एंड क्रेडिट। ये हमारा क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, मनी एंड क्रेडिट। इस चैप्टर को हम हमेशा की तरह एक स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे कि पांच हेडिंग में कवर करने वाले हैं, चार हेडिंग जो हमें स्पेसिफिकली बुक में गिवन है और एक हेडिंग होने वाली है इंट्रोडक्शन। दैट इज हम समझेंगे मनी एंड क्रेडिट एक्चुअली चैप्टर क्या है, मनी मतलब क्या होता है, क्रेडिट मतलब क्या होता है। और हमेशा से तो कभी मनी और क्रेडिट जैसी कोई बातें रही नहीं थी। पहले जब मनी नहीं होता था, जब क्रेडिट यानी कि लोन नहीं होता था, तो फिर ये सिस्टम कैसे चलता था, लेन देन कैसे होता था, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं इसके इंट्रोडक्शन में। और जब तक आपको इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का समझ में नहीं आएगा, तब तक ना आप इसकी सेकंड हेडिंग जो अपने को स्पेसिफिकली बुक में गिवन है दैट इज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज समझ सकते हैं, ना लोन एक्टिविटीज, सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझना बहुत जरूरी है। बात करते हैं मनी एंड क्रेडिट चैप्टर। तो मनी एंड क्रेडिट में बेसिकली बात होती है कि भाई हमेशा से ह्यूमन बीइंग्स को चीज़ों की लेन देन की जरूरत पड़ती रही है। फॉर एग्जांपल, किसी के पास कोई चीज़ है जो मुझे चाहिए, तो मुझे उसके बदले में उसको कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं उसके बदले में उसको क्या दूंगा, तो कुछ उस चीज़ की जो भी मुझे चाहिए उसकी वैल्यू होनी चाहिए और मेरे पास उसका पर्याप्त दाम होना चाहिए जो मैं उसे दूँ। लेकिन पहले ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। पहले सिस्टम चलता था बार्टर सिस्टम। मतलब क्या है कि मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो सामने वाले को भी उस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए जो मेरे पास हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नीड एक बोरी गेहूं मुझे चाहिए, ठीक है। और कोई एक सामने वाला है, सेकंड पर्सन है, उसके पास एक बोरी गेहूं है और मेरे पास दो बोरी चावल की है, तो मुझे एक बोरी गेहूं चाहिए थी, ठीक है। मेरे पास जो आज मैं उसकी अगर आकलन करूं उसके मूल्य का, वैल्यू का, तो मेरे पास जो दो बोरी चावल है उनकी वैल्यू है, लेट्स सपोज एक का दाम है 1000 रुपये और दूसरे का दाम है 1000 रुपये। तो मेरे पास जो दो बोरी चावल है उसकी कीमत है 2000 रुपये, ये आज की बात है। उसके पास जो एक बोरी गेहूं है उसकी एक बोरी गेहूं की कीमत है 1000 रुपये, ठीक है। तो आज तो हमें इन वैल्यू पता है कि भाई एक बोरी की कितनी वैल्यू है, दो बोरी की कितनी वैल्यू है, लेकिन पहले से सिस्टम था ही नहीं। अगर मुझे उसका एक बोरी गेहूं चाहिए और वो बदले में मुझसे दो बोरी चावल लेना चाहता है, तो मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देयर इज नो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये बार्टर सिस्टम होता है। पहले तो मुझे कोई चीज चाहिए और उसके पास अवेलेबल हो, इट इज अ कोइंसिडेंस, और फिर उसको भी कुछ चीज चाहिए और मेरे पास अवेलेबल हो, दैट इज अ डबल कोइंसिडेंस। तो बार्टर सिस्टम में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर किसी को कोई गुड्स एक्सचेंज करनी है तो उन गुड्स की रियल वैल्यू क्या है वो तो कभी पता ही नहीं लगती थी, ठीक है। दूसरी बात, बहुत कॉम्प्लेक्स सा ये प्रोसेस रहा कि उसको एक ऐसा बंदा ढूंढो जिसके पास वो चीज अवेलेबल हो जो आपको चाहिए, आपके पास कोई ऐसी चीज अवेलेबल हो जो उसको चाहिए। ये डबल कोइंसिडेंस बड़ा टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस रहा और कभी कोई हमें चीजों की वैल्यू पता चली नहीं थी। तो पहले के जमाने में जब मनी और क्रेडिट जैसी चीजें नहीं होती थी, पहले के जमाने में एक बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम जहां पर लेन देन होता था, एक्सचेंज होता था गुड्स का, किसी मनी एक कोई मीडियम के जरिए नहीं, बट डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स जहां होता था वो सिस्टम बार्टर सिस्टम कहलाता था। उसकी कुछ लिमिटेशंस रही जो मैं आपको यहां बताता हूं। इंट्रोडक्शन में हमने बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस कुछ पढ़ी हैं, दैट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि मेरे पास अगर मुझे कोई चीज की जरूरत है तो सामने वाले के पास अवेलेबल हो, दैट इज अ कोइंसिडेंस, और जो मेरे पास जो चीज है उसको भी सामने वाले की नीड हो। समझ में आया? जो मेरे पास चीज अवेलेबल है सामने वाले को भी उसकी नीड हो, दैट इज अ डबल कोइंसिडेंस। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बहुत बुरी चीज है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हमने समझा। और एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू मतलब जो एक्चुअली चीजों की वैल्यू है वो तो हमें कभी पता ही नहीं चल रही है। तो ये इंट्रोडक्शन बार्टर सिस्टम का कहलाया। अब इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया जाए, इस प्रॉब्लम को कैसे हटाया जाए, तो इसके लिए कोई एक सोर्स होना चाहिए जो चीजों का दाम डिसाइड कर पाए। एक सोर्स जो चीजों का दाम डिसाइड कर पाए, वो सोर्स क्या, मतलब कुछ एक बहुत ज्यादा जरूरत थी कि एक कुछ ऐसी चीज हो जो वैल्यू लगा पाए चीजों की, एक्चुअली मूल्य क्या है चीजों का। तो सबसे पहले बात हुई कॉइन्स को लेकर। पहले आपको पता हो तो स्टोन एक पत्थर पर कॉइन्स एम्ब्रॉस किए जाते थे, वो पत्थर के कॉइन्स होते थे। फिर धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट आया, मॉडर्न फॉर्म्स आई, तो फिर कॉइन्स का जो चेंज हुआ, कॉइन चेंज होने के बाद वो प्रीशियस मेटल्स पर चल गए, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर। लेकिन जब लोगों को ये समझ में आया गोल्ड सिल्वर जो प्रीशियस हैं, बहुत अवेलेबल, इजीली अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे चेंज हो गए कॉपर कॉइन्स पर बात आई। कॉपर कॉइन्स जहाँ तक धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ईजिली कोई भी फोर्ज कर सकता है। फिर नेक्स्ट चेंज होकर बात आई करेंसी पर, अभी पेपर करेंसी हो गई है ना, पेपर करेंसी के बाद आज के ज़माने में आप बात करो, अब डिजिटल करेंसी है हमारे यहाँ, ठीक है। सो देर इज अ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ
मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज जैसे जैसे हम डेवलप होते जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी हमारा चेंज होता जा रहा है। तो ये तो बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अभी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हमें ये पढ़ेंगे कि मॉनेटरी वैल्यू चीज़ों की क्या होती है, ठीक है। किसी भी चीज़ का अगर आकलन करना हो तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू होना बहुत जरूरी है, और मॉनेटरी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी आजकल पेपर करेंसी चलती है, पहले ये सब चलता था। मॉडर्न फॉर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लाइक वी विल गोना डिस्कस चेक्स, वी विल गोना डिस्कस डीडी, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक यानी कि बैंक की इनकम कैसे होती है, इसमें क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज होती है, इंटरेस्ट टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं, लोन कैसे दिया जाता है, कैसे नहीं दिया जाता है, क्या क्या जरूरतें होती है, ये हम लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक में डिसाइड करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और फिर आएगा सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट। सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट मतलब, क्रेडिट मतलब बेसिकली होता है लोन। तो लोन कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, वन इज कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर एंड वन इज कॉल्ड इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। तो इसमें हम फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर पढ़ने वाले हैं। लास्ट वन इज कॉल्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसको आप, जिसको एक पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स बनाते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेंबर कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे के एवज में उन्हें बहुत कम इंटरेस्ट में बैंक लोन दे देता है, ऐसा कुछ करके एक ग्रुप होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर एंड वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट क्लास।